कैमोमिला से जस्ट उल्टी एकदम अपोजिट एक मेडिसिन है, जहाँ कैमोमिला मोस्ट इम्पेशेंट रेमेडी ऑफ अवर मेटर्निटी का ऐसा भी कह सकते हैं, वहीं मैग्नीशियम म्यूर वन ऑफ द मोस्ट पेशेंट रेमेडी ऑफ अवर मेटर्निटी का एकदम अपोजिट मिलेगा। तकलीफ में भी है तो भी कहने में बहुत बहुत टॉलरेट करेगा। मैग्नीशियम म्यूर ये मेडिसिन बहुत कम प्रिस्क्राइब होते हैं, पर ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, और बहुत सी बार मैग्नीशियम म्यूर की जगह पे नेट्रम प्रिस्क्राइब होती है या कैल्क्रिया प्रिस्क्राइब होती है। क्यों? क्योंकि ये भी ऐसे ही बहुत मीक माइल्ड होते हैं, अगर कहीं से परेशान हैं, कहीं से कॉन्फ्लिक्टेड हैं, किसी व्यक्ति से कॉन्फ्लिक्टेड हैं, तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करेंगे। मैग्नीशियम का जो कोर है, मैग्नीशियम म्यूर का स्पेशली जो कोर है वो है एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स। ये रूब्रिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन बिगड़ना, है ना, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशन, फ्रेंडशिप हो, घर में हो, स्कूल में हो, ऑफिस में कलीग्स के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, अगर रिलेशनशिप में किसी भी तरह का डिसकोऑर्डिनेशन आता है, मन मुटाव आता है, उसका जो नॉर्मल फ्लो है, इमोशनल जो बॉन्डिंग है वो अफेक्ट होती है, तो मैग्नीशियम म्यूर का बीमार पड़ना तय है। ये उसका वो सेंसिटिव पार्ट है जहाँ से वो बीमार होता है। कंपेंसेट कैसे करता है मैग्नीशियम म्यूर? प्रोमिनेंट रूब्रिक्स हैं एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबऑर्डिनेट, एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन रिलेटिव्स, एलिमेंट फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसीव्ड। फ्रेंडशिप, अगेन फ्रेंडशिप मतलब जहां हम जिनके साथ हम इमोशनली बाउंड फील करते हैं। अगर आप किसी पर्सन के साथ अटैच हो, जैसा कि मैग्नीशियम म्यूर का पेशेंट होता है, कि जहां भी रिलेशनशिप बनाएगा वहां पे दिल से जुड़ेगा, इमोशनल बॉन्डिंग रखेगा, और इमोशनल बॉन्डिंग तो ये अपने लेवल पे फ्रेंडशिप की फीलिंग के साथ अटैच होता है, है ना। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत मिलेंगे जो बिल्कुल, अगर किसी को दोस्त बनाते हैं तो बहुत अच्छा दोस्त बनाते हैं, फिर उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसको कोई चीज़ चाहिए तो अपनी चीज़ों को छोड़ देंगे उसके लिए करेंगे, उसको अच्छे से अच्छा गिफ्ट देंगे, उसकी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसको अगर किसी चीज़ में परेशानी आ रही है तो तुरंत उसकी हेल्प करेंगे, उसे प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो ऐसे लोग जो इतनी केयर कर सकते हैं वो फ्रेंडशिप लेके चलते हैं। कई बार ऐसा होता है जिनसे वो बाउंड होते हैं उनके अंदर वैसी फ्रेंडशिप लेवल की फीलिंग नहीं होती, उनके अपने पर्पस हो सकते हैं, कई बार वो इन चीज़ों को समझते हैं, कई बार नहीं समझते हैं, कई बार पर्पसफुली, कई बार बिना पर्पस के लोग इन्हें हर्ट कर देते हैं, और वहाँ इनकी फीलिंग जो आती है वो क्या आती है, फ्रेंडशिप डिसीव हो गई, फ्रेंडशिप में धोखा मिला। मैग्नीशियम म्यूर ऐसा फील करते हैं, सामने वाले ने मे भी धोखा नहीं दिया, वो वही किया जो उसका स्वभाव है, पर मैग्नीशियम म्यूर के लिए क्या हुआ, धोखा हो गया, कि उसने अपने इमोशंस को एक बेस दे रखा था, वो जो बेस उसने बनाया था उसमें पूरी दुनिया थी, उसने अपने हिसाब से कंसेप्ट बना रखे थे, उसने अपनी तरफ से फ्रेंडशिप के स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे थे, और वो स्टैंडर्ड ब्रेक हो गए। फीलिंग क्या आया, फ्रेंडशिप डिसीव्ड। मैग्नीशियम म्यूर बहुत सेंसिटिव रेमेडीज में से एक है, बहुत ज़्यादा। एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स, मतलब छोटे बच्चे स्पेशली, क्योंकि बड़े तो फिर भी बड़े लोगों में ये ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े लोग कंपेंसेट कर लेते हैं बहुत सारे बिहेवियर्स को, एडॉप्टिव तरीके से ढाल लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो थोड़ा सा भी डांट देने पर बीमार पड़ जाते हैं, जिनको फीवर आ जाता है कि पापा घर पर आए, पापा ने आज डांट दिया क्योंकि पापा का मूड खराब था, तो मैग्नीशियम म्यूर वो अपने फादर से क्या एक्सपेक्ट करेगा, कि फादर आएंगे तो थोड़ा सा लाड़ प्यार शो करेंगे, दिन भर से मैं वेट कर रहा हूँ उनके साथ अच्छा टाइम निकालूंगा, फादर का मूड अच्छा नहीं है, फादर ने झड़प दिया और ये बच्चे को अगले दिन से फीवर आ रहा है। कितनी बार केसेस आते हैं, पेशेंट आगे बोलते हैं कि सुबह उठा है जब से इसको फीवर है, तो रात भर में क्या हो गया, शाम तक अच्छा खेल रहा था,
ये जो छोटे छोटे से कॉजेज होते हैं ये रेमेडीज की सेंसिटिविटी बताते हैं और पर्सन की सेंसिटिविटी बताते हैं कि आखिर कौन है जो डांट खा के बीमार हो जाता है, क्या हर बच्चा बीमार हो जाता है जो एक्सेसिवली सेंसिटिव होता है, जो बहुत ज्यादा लव एंड अफेक्शन को डिजायर करता है, वो रूडनेस दिखाने से बीमार हो जाता है। एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स, एलिमेंट फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसीव्ड, वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट रेमेडी ऑफ होम सिकनेस, क्योंकि मैग्नीशियम अपने घर परिवार से, अपने रिलेशनशिप से जुड़े रहना चाहते हैं। अगर फिजिकली भी दूर होते हैं या इमोशनली ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां वो उस फैमिली इन्वायरमेंट को मिस करते हैं, तो वो होम सिकनेस की फीलिंग, होम यानी कि उनका कंफर्ट जोन जहाँ पे लोग होते हैं, अपने लोग होते हैं, उस चीज को मिस करते हुए जो बीमार हो जाते हैं, दैट इज मैग्नीशियम मेयर। वन ऑफ द रेमेडी इन रेस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, जो हमने डिस्कस किया कि जिनके लिए वो जुड़ा है, जो उसकी फैमिली है, जिसे वो अपना घर मानता है, उस फैमिली के लिए जो भी करना होता है, तो अच्छे इंडस्ट्रियस लोग भी मिलेंगे जो पूरा फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, फैमिली में एक ही बच्चा है जिसने सबका खर्चा वर्चा उठा रखा है, वो अपने से कर रहा है, बड़े भाई के लिए भी कर रहा है, छोटे के लिए भी कर रहा है, बहन की शादी भी करवा रहा है, और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। हम जब उनसे पूछते हैं कि बहन की शादी में आप ही ने पैसे क्यों दिए, आपके और भी दो तीन भाई हैं, उन्होंने खर्चा क्यों नहीं किया, तो कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं किया, मैं हूं ना, मेरे पास है, तो उनको करने की क्या जरूरत है। तो ये मैग्नीशियम मेयर को क्या समझ में नहीं आता है कि मैं अपने जेब से पैसे लगा रहा हूं, पर वो अपने भाइयों को बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर बोलेगा तो झड़प होगी, झड़प होगी, मनमुटाव होगा, आपसी मतभेद होगा, और वो मतभेद ही मैग्नीशियम मेयर को नहीं चाहिए। तो ये बहुत करने वाले हैं, स्ट्रांग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, क्यों, किसको, किसी को अगर डिस्कॉर्ड नहीं पनपने देना है तो वो अपनी तरफ से उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, पर हर संभव कोशिश करना आसान नहीं होता है। लोगों को मेंटली सेटिस्फाई करके रखना कि वो डिस्कॉर्ड पे ना उतर आए, ये आसान नहीं होता है। जैसे ही किसी का भी मोटिव फुलफिल नहीं होता है तो तुरंत डिस्कॉर्ड पे आते हैं लोग। तो ये जो जिस तरह के सेंसिटिव ये हैं, माइल्ड हैं, पेशेंस की क्वालिटी है, केयरिंग है और रिजर्व्ड है, अपनी फीलिंग को शेयर करने वाले नहीं, म्यूर एलिमेंट द मोस्ट रिजर्व्ड एलिमेंट, इंट्रोवर्ट कंप्लीटली। फिर क्या होता है, ये अंदर ही अंदर मैग्नीशियम मेयर के अंदर एक फीलिंग होता है कि आई एम फोरसेकन, आई एम फ्रेंडलेस। वो समझता है कि जिस तरह की फ्रेंडशिप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं या मैं निभाता हूं, वैसी फ्रेंडशिप मुझे बाहर से नहीं मिलती, वैसी फ्रेंडशिप दूसरे लोग नहीं निभाते, मतलब दूसरे लोग मुझे फ्रेंड ही नहीं समझते। तो मैग्नीशियम के अंदर फोर सेकेंड फीलिंग की आदत होती है। ऐसे लोग आसपास हैं जो उसको चाहते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, पर शायद उस लेवल तक नहीं करते जिस लेवल तक मैग्नीशियम मेयर करते हैं। तो उसके खुद के उसके एफर्ट्स हाई हैं, उसके एक्सपेक्टेशन भी उसी के अकॉर्डिंग हाई हैं, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी है डिस्कॉर्ड नहीं होने देना है। ये हर एक की प्रायोरिटी नहीं होती। जिन फ्रेंड्स से फ्रेंडशिप डिसीव्ड हुई है, जिनके लिए वो फील कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भी वो रिलेशनशिप कट नहीं करेगा, उसे भी मेंटेन करके रखेगा। उनको भी जरूरत पड़ रही है तो इसी आशा में कि ये बाद में हो सकता है डिसकोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेशन में कन्वर्ट कर लें, तो वो वहां पे भी अपने एफर्ट्स दिखाता रहेगा। दैट इज मैग्नीशियम। कैमोमिला का जस्ट उल्टा, जहां कैमोमिला को कुछ भी टॉलरेट नहीं होता है, वहां मैग्नीशियम मैक्सिमम टॉलरेट करने की कोशिश करता है।